सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या MLB परफेक्ट इनिंग से जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डाटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है और मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। तो बात करें हम इस गेम की ना, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ये नया आपने देखा होगा, डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल प्ले, ये न्यू गेम है ऐसे। वहाँ पर ये गेम की अगर मैं बात करूँ तो इसका साइज़ आपको प्ले स्टोर पर 90 MB के आसपास देखने को मिलेगा। बट हाँ, जब आप गेम को डाउनलोड करके ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर आपसे 1 GB का एडिशनली डाटा भी मांगता है। तो गेम का टोटल साइज 1.1 GB के आसपास है। एंड एक और चीज़ ये कि ये जो है ना, ये एक ऑनलाइन गेम है, ऑफलाइन गेम नहीं है। तो चलो मैं थोड़ा मोबाइल डेटा ऑन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। अब वापस से हमारा गेम स्टार्ट होगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, तो ये जो है ना, ये एक बेसबॉल गेम है। एंड MLB सीरीज़ के बहुत सारे गेम्स, आई थिंक मैंने सर्च करा था ना, तो मुझे बहुत सारे गेम देखने को मिले थे। मैंने चेक नहीं करा क्योंकि बेसबॉल में इतना इंटरेस्टेड मैं हूँ नहीं, मैं जानता भी नहीं हूँ कि क्या प्ले करते कैसे करते। जो देखा वो डोरेमोन में देखा है थोड़ा बहुत बस। बाकी हाँ, एक चीज़ तो है कि देखो, जो रियल क्रिकेट हमारा 21 था ना, तो उसमें मैं एक चीज़ एक्सपेक्ट, जो कि मैंने बोला ही था कि रियल क्रिकेट 22 जो है वो मतलब उतना हेवी अपग्रेडेशन नहीं है, तो वो चीज़ पे मैं इसलिए भी एग्री करता हूँ ना, क्योंकि ना इस गेम के आप ग्राफिक्स एक बार चेक करना। एंड ये जिस लेवल की इसकी ग्राफिक्स है ना, हम मैं चाहता हूँ कि यार बिल्कुल एक्यूरेट इस टाइप की ग्राफिक्स आपको जो है ना एक क्रिकेट गेम में देखने को मिले। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो गेम मोड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर चलो सीज़न पर ही क्लिक कर देता हूँ। एंड आपको मैं चेक कराता हूँ, नया वाला एक आधी कोई सा मैच नहीं खेल सकते हैं क्या? एक मिनट ज़रा मैं चेक करना चाहता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर कहाँ था, सिमुलेशन PVP रैंक 0 स्टार्ट सिलेक्टिंग। चलो एक अपन PVP खेल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर क्या है, ओपोनेंट नहीं मिल रहा है क्या? शायद नहीं मिल रहा हो, पर चलो पहले मेन्यू की चीज़ें तो आपको दिखा दूं। तो ये कुछ इस तरीके से गेम का मेन मेन्यू है, जहाँ पर बहुत कुछ है, मुझे खुद ही नहीं समझ में आने वाला है क्योंकि बेसबॉल में उतना खेलता नहीं हूँ। सेटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अकाउंट है, साउंड है, ग्राफिक्स हमारी हाई तक जाती है, नीचे रिजोल्यूशन है। गेम सेटिंग में अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर लेना जो भी है। एंड यहाँ पर जो है लैंग्वेज का फीचर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में इस तरफ में जो है ना, अपना नाम मैं चेंज क्यों नहीं कर सकता हूँ, G7YT ग्रुप लिख देते हैं, बस इतना ही चलेगा, YT ग्रुप रहने दो, है ना। तो ये नाम चेंज कर दिया अपन ने, एक मिनट नहीं हुआ यार, शायद उसमें कुछ पॉइंट वॉइंट्स लगेंगे। चलो उसको हटाओ, अपने को क्या करना है। उसके बाद में गेम मोड पर अगर मैं जाता हूँ तो जोन सा मैं प्ले कर रहा था ना, इसी को कंटिन्यू कर दूँ क्या? तो चलो इसी को कंटिन्यू करता हूँ। कैंसल, रिज्यूम, ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको मतलब यही बताना चाहता हूँ कि इसके आप ग्राफिक्स देखना। एंड ये लोडिंग स्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगी यार, ये जो 67, 68, 69 चल रहा है ना, ऐसा मतलब बेसबॉल वाली फील देता है पूरा, मतलब थीम बहुत अच्छी है इस गेम की। एंड आप इसकी ग्राफिक्स देखो, लिटरली मैं कौन नहीं चाहेगा कि इस टाइप की ग्राफिक्स एक क्रिकेट गेम में आए। इफ़ यू डोंट नो, तो इस टाइप की ग्राफिक्स हमको PC में ही देखने को मिलती है क्रिकेट गेम में, एंड वो शायद रियल क्रिकेट ही है। एंड यहाँ पर आप खुद ही देखो ना यार, कितनी नेक्स्ट लेवल की ग्राफिक्स है गेम की। मैं चाहता था कि रियल क्रिकेट 22 इस तरीके का हो, इसलिए मैंने वहाँ पर बोला भी था कि उतना ग्राफिक्स मैटर नहीं करती है, पर फिर भी यार करती है मैटर, तो क्योंकि यार अपग्रेड कर रहे हो आप और आपने ग्राफिक्स में अपग्रेड नहीं करा। गेम प्ले में तो सही में रियल क्रिकेट 22 में बहुत ज़्यादा ही अपग्रेडेशन हुए हैं, बट वही है कि उसमें नहीं हो पाए हैं। तो थोड़ा सा एक चीज़ मुझे वो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यार मैं चाहता था ना, तो होना चाहिए था यार, गलत चीज़ करी उन्होंने। उनको ना भले टाइम लेना था, जल्दी नहीं निकालना था, पर थोड़ा अच्छे से बनाना था। अब ये गेम खेलने लायक यार, कोई अगर बेसबॉल खेलना जिसको पसंद है उसके लायक ये गेम है यार, सही में। अब चलो यहाँ पर मतलब 3 स्ट्राइक हमको मिलती है, इतना तो पता है मेरे को, और तीनों वो हो गए तो प्लेयर आउट, तो ये चीज़ तो मैं जानता हूँ ऑलरेडी। बाकी चलो यहाँ पर सिनेमेटिक मोड्स भी बहुत सारे आते हैं, जैसे प्लेयर को लग जाती है ना, तो वो चीज़ भी दिखाता है यहाँ पर बहुत अच्छे से, एकदम लगता है यार। ये जिस तरीके का है ना, लाइटनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है गेम की, बहुत कुछ है। अब चलो ये थोड़ा सा इसकी बैटिंग में मुश्किल आती है, क्योंकि आज तक मैंने एक भी बॉल नहीं मार पाया हूँ। अब एक मिनट, अरे यार शीट, यहाँ पे आया था या इस बार भी नहीं आया। चलो अपनी स्ट्राइक तो ख़त्म हो गई, बाकी चलो दूसरा वाला ट्राई करते हैं। अब खेलने में मज़ा आने लग गया है थोड़ा सा, अरे यार छूट जाता है यार, बहुत मुश्किल है यार इसको मारना, मतलब यार ये बेसबॉल खेल कैसे लेते यार।
चलो मा एक एक मारा क्या? नहीं मारा, कुछ भी नहीं मारा अपन ने। इस बार चेक करते हैं। अरे यार चलो नहीं हो पाया, हटाओ, अपने से नहीं होने वाला। बाकी जो भी आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।